आइए दोस्तों, आज आपको हम ऑल्टरनेटर के जो कटआउट होते हैं 407 के और DC ऑल्टरनेटर के कटआउट किस तरीके से टेस्ट किए जाते हैं, ख़राब किस कंडीशन पे आता है और सही कंडीशन पे किस तरीके से बोलता है कटआउट, ये आपको सिखाएंगे। आइए देखिए इस वीडियो में। ये देखिए, ये हमारे पास कटआउट है एक माइको का। अब हम इसको माइको के कटआउट को किस तरीके से चेक करेंगे, ये देखिए। ये बैटरी 12 वोल्ट की लगी हुई है, इस पर हमने दोनों ठंडे गर्म तार लगा लिए हैं। ये दोनों तार आ गए ठंडे गर्म। अब हमने एक ये बल्ब बत्ती बनाई है 1141 की, इस बत्ती पे हमने एक तार लगा दिया और एक तार ये आ गया। अब हम इसको जो सीरियस में बल्ब हमने लगा रखा है, ये देखिए। अब हम इस बत्ती की मदद से कटआउट को चेक कर पाएंगे, ये देखिए। आप इसको, इसका ये ठंडा वायर है और ये दोनों वायर जो हैं इसके, जो कार्बन वाला सिरा है, ये दोनों जाएंगे इसके कॉमेटर पे, इस पर जाते हैं कॉमेटर पे। ये तो दोनों जाएंगे आपके कॉमेटर पे, ये जाएगा बॉडी पे ठंडा वाला, और यहाँ से इसकी बत्ती जलती है। आइए दिखाते हैं आपको, ये सही है या ख़राब इसको चेक करके बताते हैं आपको। अब आप ठंडा वाला तार पकड़ लीजिए इस पर, ये इस तरीके से, ये देखिए ये जल रहा है, ये पॉइंट आपका सही है, ये जल रहा है, ये भी पॉइंट सही है, ये दोनों तरफ बोल रहा है। अब हम इसको, इस वाले तार को, इस वाले तार से यूँ पकड़ेंगे घुमा के। अब हम इसे चेक करते हैं, ये देखिए बोल रहा है, ये सर्किट हमारा नहीं बोल रहा, इसका मतलब ये कट करेगा। चार्जिंग जब बैटरी आपकी हो जाएगी तो ये कट करेगा, ये कट का ऑप्शन है इसका, ये कट वाला ऑप्शन है। और अगर ये भी डायरेक्ट जल जाता है AC की तरीके से, ये भी जल जाता है, तो आपका कटआउट वर्क नहीं करेगा, तो फिर ये रेक्टिफायर प्लेट को भी जला देगा, बैटरी भी तुम्हारी ओवरचार्ज कर देगा। ओवरचार्ज का मतलब है बैटरी फटने की कंडीशन पर आ जाती है। ये देखिए, ये यहाँ नॉर्मल है और ये कट है इसका, अगर ये कट फेल हो जाता है इसका तो बैटरी को ओवरचार्ज करेगा। तो इसको चेक करने का तरीका बहुत सिंपल सा है, आइए एक बार फिर आपको समझा देते हैं। एक तार ये ठंडा वाला पकड़िए और एक ये, ये देखिए बोल रहा है और ये एक तरफ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब हमारा कटआउट कट कर रहा है, और एक तरफ दोनों फंक्शन आने चाहिए इस तरीके से, ये देखिए आ रहा है, ये आ रहा है। अब हम दोनों को इस कार्बन पे से चेक करेंगे, ये देखिए बोल रहा है और ये देखिए नहीं बोल रहा, यानी कट कर रहा है। और इसी कंडीशन पे से हम इस वाले को चेक करेंगे, देखिए ये बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा। अब ये यहाँ पे कंडीशन पे नहीं बोल रहा और ये इस पर भी नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोल रहा, इसका मतलब ये कटआउट सही है आपका, ये कटआउट सही है। और इस वाले कंडीशन पर दोनों को बोलना चाहिए, ये बोल गया और ये भी बोल गया, ये इस तरीके से। और इसकी जो बत्ती होती है वो यहाँ से आती है, यहाँ से ये बत्ती का तार है, यहीं से ऑल्टरनेटर की लाइट बंद होती है, ये देखिए ये बत्ती का ऑप्शन आ रहा है। ये आपका कटआउट सही है। अब हम आपको एक मारुति का कटआउट और चेक करके दिखाते हैं, देखिएगा। इसको भी हम इसी बत्ती की मदद से चेक करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये इसका ठंडा वायर है और ये दोनों कार्बन पे लगते हैं, ये ठंडा वायर है, ये बॉडी पे लगेगा, इसके इसके संग लगेगा बॉडी पे, और ये है इसके गर्म बार, ये गर्म बार लगते हैं कार्बन पे जाके, और पीला वाला जो तार होता है ये बत्ती पे जाके लगता है, ये नॉर्मल कार्बन पे लगता है, ये बत्ती पे लगेगा जाके, जिससे हमारी लाइट जब गाड़ी हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट के बाद में जो लाइट बंद हो जाती है वो इस वाले तार से होती है बंद, ठीक है। इसको भी चेक करने का तरीका वही है, ये इस तरीके से, ये देखिए बोल रहा है, ये देखिए नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है और ये नहीं बोल रहा,
अभी हमारे दोनों साइड बोलना चाहिए, ये 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 सही है। अब हमको इस फंक्शन में डायरेक्ट तो नहीं, इसको इस तरीके से चेक करना है। ये देखिए डायरेक्ट नहीं है, यानी कि हमारा कट ऑफ कर रहा है। और अगर ये डायरेक्ट हो जाता है तो ये कट ऑफ नहीं करेगा, ये इस साइड बोल रहा है और इस साइड नहीं बोल रहा है। ये हमारा सर्किट सही है, नहीं बोल रहा, इस साइड बोल रहा है, इस साइड बोल रहा है, लेकिन इसको हम पलटेंगे तो एक साइड बोलना चाहिए हमारा। ये देखिए नहीं बोल रहा और ये बोल रहा है, ये भी सही है कटआउट। ठीक है, ये इसका सही तरीका कटआउट चेक करने का। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं। धन्यवाद।